दिस इज़ कांतेश कियानी और मैं यहाँ पे यूटोपिया इंडस्ट्रीज में एज ए प्रोडक्ट मैनेजर मैं काम कर रहा हूँ. इट्स बीन मोर देन 4.5 ईयर्स, ऑनरेबल 4.5 ईयर्स के मैं यहाँ पे इस कंपनी में मुझे यहाँ पे हुए हैं टाइम. एंड आज हम इस बारे में बात करेंगे कि बेसिकली हमारे यहाँ जो पॉलिस्टर की या माइक्रोफाइबर की जो इस्तेमाल है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान में. एंड बिकॉज अब हमें पता है कि विदिन एज ए कंट्री पाकिस्तान में इसकी यूसेज बढ़ती जा रही है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है जानना कि हमारी इंडस्ट्री में जो यूटोपिया इंडस्ट्रीज़ हैं हमारा इसका प्रोसेस क्या होता है और किस तरीके से हम बनाते हैं और हम आगे जाके इसका फ्यूचर और इसका मुस्तकबिल कहाँ तक देखते हैं. उसके लिए हमारे पास जो गेस्ट स्पीकर हैं हमारे साथ हमारे हैं नसीम अहमद साहब हैं हमारे साथ जो ऑलरेडी इस यूटोपिया इंडस्ट्रीज़ में वो ऑलरेडी काफ़ी अर्से से काम कर रहे हैं. एंड ना ही सिर्फ हमारी कंपनी में वो काम कर रहे हैं बट ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में उनका 30 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है. तो आज हम उनसे डिस्कशन करेंगे और आप उनसे बात करेंगे कि एक्चुअली में हमारे जो माइक्रोफाइबर या पॉलिस्टर का जो यूसेज होता है या इस्तेमाल होता है वो किस तरह हो रहा है और आगे जाके इसका फ्यूचर क्या है. अस्सलाम वालेकुम नसीम भाई, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम कांति साहब, बस खैरियत से अल्लाह का शुक्र है. आप नसीम भाई सबसे पहले ये बताएं आपका यूटोपिया इंडस्ट्रीज़ में सफ़र कैसा रहा? यूटोपिया इंडस्ट्रीज़ में तकरीबन मैं ज्वाइन किए 2 साल हो चुके हैं और इस 2 साल में अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी जितनी भी आप देख रहे हैं जो बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं इसमें मेरा भी काफ़ी शेयर है. तो सबसे पहले हमने यहाँ पर आकर हम जब यहाँ पर आए तो यहाँ पर एयर जेट की मशीनें स्टार्ट की, एज अ ट्रायल स्टार्ट की यूटोपिया इंडस्ट्रीज़ ने. एयर जेट में हमें कपड़ा बनाना था तो हमने एयर जेट की मशीनें स्टार्ट करके 18 मशीनों से सफ़र को शुरू किया. उसके बाद टावल हमारी सबसे बेसिक चीज़ है जो टावल यूटोपिया इंडस्ट्री जो टावल एक्सपोर्ट करता है, तो टावल की भी हमने मशीनें लगानी शुरू की और अल्हम्दुलिल्लाह वामटेक्स की 50 या 52 मशीनें हम तक लगा चुके हैं, 52 मशीनें हम लगा चुके हैं, उस पर हमारी प्रोडक्ट चल रही हैं. तीसरा हमारा जो बड़ा फेज़ था हमारे जो बॉस का विजन था वो था माइक्रोफाइबर फैब्रिक, क्योंकि हम जो माइक्रोफाइबर पे काम कर रहे हैं हमारी एक्सपोर्ट है माइक्रोफाइबर फैब्रिक में, बेडशीट है, इन्हेंसमेंट है, कम्फर्टर्स हैं, पिलोज़ हैं, तो हम सारा कपड़ा चाइना से इम्पोर्ट करते थे. तो हमारे बॉस का विजन था क्यों ना हम चीज़ों को पाकिस्तान में बनाएं. उसके लिए हमने इस पर रिसर्च की और हमने सबसे पहले डायमंड फैब्रिक्स फैसलाबाद में जाकर विज़िट किया. मैंने जबरान साहब के कहने पे विज़िट करने बाद देखा कि बहुत अच्छी मतलब इंडस्ट्री ने लगाई है और प्रोडक्शन भी अच्छी है और इसके खर्च भी इतने नहीं है, ना इसमें साइजिंग है, ना कोई केमिकल यूज़ है ड्यूरिंग वीविंग में, सिर्फ एक पानी की ज़रूरत होती है जो इंसर्शन में यूज़ होता है. तो हमने उसको विज़िट किया, उसके बाद वहाँ से आके हमने रिपोर्ट फेसिलिटी बना कर दी. जबरान साहब ने कहा कि बिल्कुल नसीम साहब शुरू करें इसको. हमने ट्रायल पे फिर मशीनें मंगाई, ट्रायल पे मशीनें मंगा कर उस पर काम किया. काम करने के बाद हमने उस पर 10-15 हज़ार मीटर कपड़ा बनाया, उसको प्रोसेस में डाला, उसके बाद हमें नज़र आई इंडीड कि मतलब इंशाल्लाह हम इसमें कामयाब होंगे. अब हमारा जो प्रोजेक्ट है, फिर हमने एक प्रोजेक्ट अपना यहाँ पर कर लिया जिसमें 400 वाटर जेट की मशीन हम लगा रहे हैं जो हमारे यूनिट में Site 3 के नाम से. उन 400 मशीनों में से अल्हम्दुलिल्लाह हम 170 मशीनें स्टार्ट कर चुके हैं और बाकी 200 बैलेंस जो मशीनें हमारी हैं वो मशीनें हमारी फैब के अंदर अंदर इंशाल्लाह पहुंच जाएंगी और मार्च के अंदर हम 400 मशीनें अपनी कंप्लीट कर लेंगे. अब बेसिक चीज़ ये कि हमने इसको स्टार्ट तो कर लिया, अब हमारे साथ इसको और कौन कौन इन मशीनों पे काम करना चाहता है पाकिस्तान में, तो सबसे पहले फैसलाबाद को लेंगे. फैसलाबाद में सबसे पहले डायमंड ने इस काम को स्टार्ट किया. डायमंड और मैगना दो बड़ी वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हैं फैसलाबाद में जिन्होंने इस काम को स्टार्ट किया और डायमंड के पास इस वक्त 550 मशीन है. उसका अपना पूरा प्रोसेस, इसमें प्रिंटिंग भी है, डाइंग भी है, वीविंग से मुतालिक पूरी चीज़ें कपड़ा फाइनल करके मार्केट में सप्लाई करता है, बट ही इज़ मैक्सिमम प्रोवाइडिंग टू लोकल मार्केट. इसके अलावा मैगना है, मैगना भी लोकल मार्केट पर काम करता है, एक्सपोर्ट पर काम करता है. कराची में जो दो बड़ी मिलें हैं जो बहुत पहले से फेमस हैं, जिसमें एक यूनुस टेक्सटाइल मिल है, गुलामत टेक्सटाइल मिल है जो लांडी हमारे लांडी के जोन में है, तो इस वक्त यूनुस टेक्सटाइल मिल भी 200 से ज़्यादा दूमे लगा चुका है और 200 से ज़्यादा दूमे बस नहीं समझे कि मजीद और वो एक्सटेंशन करेगा. इसमें गुलामत ने मशीनें बुक की, उनकी मशीनें आ रही हैं. साइट कराची में शेरशाह के पास एक अरबियन टेक्सटाइल है, वो भी 170 से ज़्यादा मशीनें ला चुके हैं, उनका प्रोसेस चल रहा है, वो भी लोकल इसको कर रहे हैं. तो हमने देखा कि पाकिस्तान में माइक्रोफाइबर के लोकल में पहले ही से इतनी खपत है, क्योंकि वाटर जेट लूप पाकिस्तान में नई नहीं है, ये थी मगर छोटे साइज़ों में थी, एक्सपोर्ट साइज़ में नहीं थी. इसमें हम लेडीज़ वैराइटीज़ जितनी बनाते हैं, शेफोन है, जॉर्जेट है और जितने भी कपड़े लेडीज़ वैराइटीज़ के बनते थे वाटर जेट पे ही बनते हैं और ये मशीनें पहले से मौजूद थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह का जो बूम आया एक्सपोर्ट के हिसाब से वो वाइडर मशीनें पाई, इसको बेडशीट डिवीज़न में डाल दिया गया है. तो इस पर अब लोग काम कर रही हैं, बड़ी कंपनियाँ काम कर रही हैं. काम तो वाटर जेट का पहले ही से चल रहा था लेकिन अब बड़ी कंपनियाँ काम कर रही हैं, एक्सपोर्ट के लिए काम कर रही हैं, उनमें से हम भी एक हैं. तो हमारा अपना ये इरादा है कि हमें 2022 तक मेरे ख्याल 600 लूम तक जाना है, जो हम इंशाल्लाह जिसके हम ऑर्डर्स हम पूरे करेंगे अपनी जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो पार्ट ऑफ एक्सपोर्ट होगा मशीनों का फैब्रिक हमारे पास है. उसके अलावा हमने इसके लिए जब दायरे माइक्रोफाइबर में ला रहे थे उसको हम
ग्रे तो नहीं छोड़ेंगे इसके लिए, फिर हमने आगे भी इसके लिए प्रोसेस लगाए हुए हैं, हमने इसके लिए जेड डाइंग लगाई हुई है, सारी चीज़ें लगाई, और हमारे पास इसका पूरा एक सेटअप है कि हम धागा खरीद कर अभी कपड़ा बनाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ से सारी चीज़ें प्रोडक्ट की सूरत में निकल के एक्सपोर्ट कर दी जाती हैं। हम एक दूसरा सवाल इनसे पूछना चाहेंगे जो हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बल्कि इसमें नॉलेज में इजाफा करेगा, वो ये है कि नसीब भाई, हमारा जो ये माइक्रो फाइबर है ये बनता किस तरीके से है, ये हम व्यूअर्स को इस पे नॉलेज प्लीज़ अपनी शेयर करें। देखिए, माइक्रो फाइबर फैब्रिक बनाने के लिए मैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें 100% पॉलिएस्टर यार्न यूज़ होता है, और फिर हम इसको कैलकुलेट ये करते हैं कि हमारे कपड़े का GSM क्या होगा, इसकी विड्थ क्या होगी, उसके हिसाब से इसके वार्प्स के एंड सेलेक्ट किए जाते हैं। उस एंड को सिलेक्ट करने के बाद उसमें फिर वेफ की इंसर्शन की जाती है, उसका GSM चेक किया जाता है कि हमारी मतलूबा जो GSM है वो हमें मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। इस तरह ये कपड़ा लूप पर तैयार होता है, मगर इसका सबसे पहला प्रोसेस जो होता था वार्पिंग मशीन का, और इसमें यूज़ की जाती है सेक्शनल वार्पिंग। तो सेक्शनल वार्पिंग का तरीकाकार ये होता है कि नंबर ऑफ कोन्स उस पर लगा दिए जाते हैं और उन एंड्स के हिसाब से उनके बेल्ट या पटे जिसे हम कहते हैं वो बनाए जाते हैं और उस विड्थ में बनाए जाते हैं जो हमें रीड स्पेस पर लूम पर ज़रूरत होती है। जब वो चीज़ हम बनाते थे वार्पिंग पे, जब ये काम शुरू हो जाता है उसके बाद हमें वहाँ से एक बीम की शक्ल में चीज़ मिलती है, इसको हम बीम कहते हैं, जिस पे वो 10,000 एंड्स होते हैं, उसकी लेंथ होती है कि हमने जितनी लेंथ उसमें डालनी, रिकमेंड करनी कि मुझे 5,000 मीटर की लेंथ चाहिए या 6,000 मीटर की लेंथ चाहिए, 4,000 मीटर की लेंथ चाहिए, उस लेंथ के हिसाब से उस सेक्शनल वार्पिंग से उसको उन धागों को बीम पर ले लिया जाता है। ये लूम बीम कहलाते हैं, ये लूम बीम इसके बाद लूम पर आते हैं। लूम पर लगने से पहले इनका एक प्रोसेस होता है ड्राइन का, ड्राइन ये इसको आम जबान में सार्निंग भी कहते हैं, टेक्सटाइल में सार्निंग भी कहते हैं। तो ड्राइंग में फिर इसके अंदर वाइड डिस्टेंस को ड्रा किया जाता है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि जिस तरह कॉटन बनाने के लिए हमें ड्रॉपर का इस्तेमाल करना पड़ता है, टेक्सटाइल वाले लोग जानते हैं जो इस फील्ड में, कि ड्रॉपर वो चीज़ होती है जिसमें से वार्प एक धागा गुजरता है और जब धागा टूटता है तो वो ऑटोमेटिकली गिरता है और मशीन स्टॉप हो जाती है, जिससे बी ग्रेड फैब्रिक नहीं बनता। लेकिन माइक्रो फाइबर में स्टील की ऐसी कोई चीज़ यूज़ नहीं की जाती, ये डायरेक्ट बीम से नायलोन की वायर हेल्ड में धागा आता है जो इसको डिस्टर्ब ना करे, इसको रिश्के ना निकाले, सिर्फ एक रीड होती है स्टेनलेस स्टील जहाँ से बिटअप होता है। तो इसमें प्रोसेस में ये होता है कि जब लूम बीम को हम ज़मीन पर ले आते हैं उसके बाद उसकी ड्राइंग होती है, ड्राइंग होने के बाद उसको मशीन पर रख दिया जाता है। मशीन पर रखने के बाद इस पर काम किया जाता है, कुछ से काम होते हैं जो क्वालिटी स्टार्ट करने से पहले किए जाते हैं, तो वो काम किए जाते हैं, उसके बाद मशीन पर कपड़ा बनाया जाता है। मशीन पर चूंकि हमारी सिलेक्शन पहले होती है कि हमने इतने एंड्स रखे हैं और इसकी विड्थ इतनी हमें मिल जाएगी, अब उसमें होता है दूसरी चीज़ इंसर्शन का, वाटर जेट का काम अब यहाँ से शुरू होता है कि उसकी इंसर्शन जो वेफ्ट की होती है वो वाया वाटर होती है, इसलिए इसको वाटर जेट कहा जाता है। जब इसकी इंसर्शन शुरू होती है वाटर जेट, मतलब वाटर जेट डूबे, जब इसको वाटर से इसकी इंसर्शन शुरू होती है वेफ्ट की, वही इसको चीज़ को हम कहते हैं कि ये कैरियर है वेफ्ट को लेफ्ट हैंड से लेके राइट हैंड तक कपड़े की कंप्लीट विड्थ में पहुंचाने का कैरियर जो कि वाटर है, इसलिए इसको वाटर जेट लूम कहा जाता है। सर, एयर जेट लूम में वाया एयर धागा जाता है वेफ्ट का, उसको एयर जेट लूम कहा जाता है। जब ये कपड़ा हम बना लेते हैं इसके बाद इसको हम चेक करते हैं कि इसमें ए ग्रेड बी ग्रेड इसकी, मतलब इसको चेक किया जाता है कि इसकी परसेंटेज क्या है कपड़े में, क्या क्या फॉल्ट्स हैं। वो एक इंटरनेशनल सिस्टम होता है, उस सिस्टम के तहत कपड़े को चेक किया जाता है कि इसमें क्या फॉल्ट्स हैं। अगर कपड़ा ये ग्रेड है तो ठीक है, अगर इसमें कोई ख़राबी आ रही है तो उसको फिर लूम पे दुरुस्त किया जाता है, या किसी भी किस्म की ख़राबी हो। उसके बाद ये कपड़ा बनने के बाद हम इंस्पेक्शन पर डालने के बाद इसको फिर एक काम और करते हैं, इंस्पेक्शन के बाद इसको हम पीच फिनिश पर डालते हैं, जो इसका सबसे बेसिक है। माइक्रो फाइबर फैब्रिक बेडशीट में जो यूज़ किया जाता है, पीच फिनिश की वजह से इसमें इतना बूम आया इस फील्ड में, क्योंकि अगर आप पॉलिस्टर कपड़ा बना देंगे तो हार्श होता है काफ़ी, इस पर बेडशीट पर वो काम नहीं करेगा जिस तरह काटन की सॉफ्टनेस होती है। तो उसी सॉफ्टनेस को लाने के लिए इन्होंने एक पीच फिनिश नाम की मशीन की है जिस पे कपड़े को गुजारा जाता है और उस पे हेयरनेस पैदा की जाती है ताकि सॉफ्टनेस आ जाए। यहाँ से कपड़ा पीच फिनिश के बाद हम डाइंग के हवाले कर देते हैं। डाइंग वाले उन पे जिन प्रोसेस पे काम करते हैं उनसे सबसे पहला काम ये होता है कि उस कपड़े को, मतलब हम दो किस्म का कपड़ा बनाते हैं, एक हम वाइट बनाते हैं, इसको हम ब्लीच करते हैं, और हम डाइड भी बनाते हैं जिसमें कलर्स होते हैं। तो जब हम इस कपड़े को पीच फिनिश के बाद जब डाइंग सेक्शन के हवाले कर देते हैं, तो डाइंग सेक्शन में इस पर मुख्तलिफ चीज़ों पर काम किया जाता है। सबसे पहले इसको डाई करना है या ब्लीच करना है, तो इनके पास जेट्स होते हैं जिसको एलिट जेट्स भी कहा जाता है, लॉन्ग जेट भी कहा जाता है। इन जेट्स में इस कपड़े को बाकायदा उसकी कंजम्पशन होती है कि इसमें इतना कपड़ा हम डाल सकते हैं। जेट्स की एक मकदार होती है कि इसमें 300 kg डाल सकते हैं या 250 kg डाल सकते हैं। तो 250 kg हमारे कितने मीटर आएंगे उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने के बाद उस कपड़े की एक बनाई जाती है डाफ, उस डाफ को हम उस मशीन में डालकर इसको प्रोसेस करते हैं, वो डाइड हो या ब्लीच हो या वाइट हो। जब उसको प्रोसेस करते हैं तो पॉलिस्टर पे कम से कम 130 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे इसको प्रोसेस किया जाता है, और उसका प्रोसेस का अमल जो होता है कम से कम 3 घंटे भी हो सकता है, ये क्वालिटी पर डिपेंड करता है।
उसके बाद इसको वहाँ से निकाला जाता है कपड़े को, कपड़े को निकाल कर फिर एक हाइड्रो होता है, हाइड्रो पे डाला जाता है, हाइड्रो पे कपड़ा जो है डालकर उसको स्पन किया जाता है ताकि उसका सारा पानी निकल जाए। उसके बाद इसको रीओपनर पे डाला जाता है, रीओपनर पे फिर इसको रीओपनर से जब कपड़ा निकलता है वो जाके हमने ट्रॉलियाँ बनाई होती हैं हमने कपड़े की वृक्ष साहब उसके अंदर स्टेक हो जाता है वो 1000 मीटर जाए 2000, जब यहाँ से स्टेक होकर इस फैब्रिक को जब हम स्टैंडर्ड पर ले जाते हैं, स्टैंडर्ड असल चीज़ होती है हमारी कपड़े की वृद्ध को कंट्रोल करने की। मिसाल के तौर पर स्टैंडर्ड पर हम कपड़ा ले जाते हैं तो कपड़ा में फिनिश करने के बाद मिलता है 285 सेंटीमीटर, ये इसकी श्रिंकेज आ जाती है जो हमारी मतलब होती है। हम स्टैंडर्ड पर कपड़े को इस हिसाब से करते हैं कि हमारी मतलब हमें कितनी वृद्ध चाहिए इसकी, उस वृद्ध पर लाते हैं। तो हमारी कैलकुलेशन ये पहले होती है कि हम जब कपड़े को लेंगे तो इसका GSM भी इतना ही आएगा इस वृद्ध पर और इसके एंड्स इसकी कंस्ट्रक्शन एक्यूरेट होगी। उसके बाद ये कपड़ा निकल कर फिर पैकिंग के लिए जाता है, पैकिंग से पहले इसको इंस्पेक्शन पर दोबारा डाल जाता है, इसमें इसके रोल बनते हैं, वो रोल 200 मीटर के हों या उससे ज़्यादा के हों कम, क्योंकि कपड़े के ऊपर डिपेंड करता है, अगर कोई फाल्ट आ गया तो कार्डबन 80% जो होते हैं वो 200 अब होते हैं इसके। उस रोल के बनने के बाद इस कपड़े को पैक किया जाता है। अगर आपने इसको बेचना है तो फिर रोल फॉर्म में आप इसको बेच देते हैं, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ बेचने का सिस्टम नहीं है, हम अपनी प्रोडक्ट में इस्तेमाल करते हैं, तो उसके बाद ये कपड़ा हमारे गारमेंट्स में चला जाता है। गारमेंट्स में इनके लेयर्स लगती हैं, जिस हिसाब से हमको कटिंग करनी होती है, जो भी आइटम्स बनाने होते हैं उसके हिसाब से लोग उस पर काम करते हैं, और वहाँ से फाइनल प्रोडक्ट बनने के बाद प्रोडक्ट को इम्पोर्ट कर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब काफ़ी हद तक हमने अच्छा प्रोग्रेस कर लिया है विद इन दिस पैसेज ऑफ टाइम, जो कि बहुत बड़ी रिमार्केबल अचीवमेंट है नसीम भाई। बिल्कुल बिल्कुल, 2 साल में हमने मतलब जितनी तेज़ी से काम किया, हालांकि यहाँ हर्डल्स बहुत हैं हमारी कंट्री में, सबको पता है जो लोग कराची में बैठे हैं या पाकिस्तान में बैठे हैं, लेकिन अलहमदिल्ला इसके बाद भी हमारी मैनेजमेंट ने और हमारी टीम ने जितना अच्छा काम किया सारी टीमों ने मिलकर, तो हमें उम्मीद है कि हम अपने टारगेट को इंशाल्लाह वक्त से पहले अचीव करेंगे। इंशाल्लाह मुझे भी इस चीज़ की पूरी उम्मीद है और हमें एज अ टीम हमें इस चीज़ का पूरा यकीन है कि आगे आने वाले दिनों में हमारी टीम खुद आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करने वाली है। नसीम भाई, साथ साथ बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दूसरा आता है मुझे कि ये मशीन्स कौन सी यूज़ होती हैं, बेसिकली किस तरह की मशीन जो है ये पॉलिस्टर या माइक्रोफाइबर बनाती है? पॉलिस्टर या माइक्रोफाइबर, देखिए वैसे तो आप देखते हैं कि पीसी का कपड़ा हमेशा बन रहा होता है, पीसी मतलब जैसे हमारे पास भी एक हमारी प्रोडक्ट होती है जिसमें पीसी 52, 42, 52 और 48 यूज़ करते हैं, मतलब 52% पॉलिस्टर होता है और 48% कॉटन होता है, तो ये फैब्रिक्स तो हर लूम पर चल रहे होते हैं। लेकिन माइक्रोफाइबर लूम चूँकि वाटर जेल लूम पर बनाया जाता है तो उसके अंदर ये होता है कि इसकी इंसर्शन जो वाटर से होती है, जिस तरह एयर जेट में पिक की थ्रो एयर से होती है, प्रोजेक्टर सोल्डर में प्रोजेक्टाइल से होती है और रैपियर मशीनों में रैपियर होती है, इसमें वाटर से इंसर्शन होती है पिक की, इसलिए ज़्यादातर जो माइक्रोफाइबर फैब्रिक है वाटर जेल डूम पे बनाया जाता है। राइट राइट, ये हमने अपनी कन्वर्सेशन में वाटर जो वाटर जेट लूम का बहुत हमने इस्तेमाल किया है, ये क्या होती है चीज़ नसीम भाई? देखिए वाटर जेट लूम, देखिए लूम तो लूम होती है, जहाँ पे वोविन फैब्रिक का नाम आएगा वहाँ पे लूम का नाम ज़रूर आएगा। अब लूम्स की टाइप होती हैं, लूम में टाइप भी, अगर आप डिज़ाइन वाला कपड़ा बनाना चाहते हैं तो उसकी लिमिटेशन होती है, लिमिटेशन ये होती है कि आपने जैसे हम जिस कपड़े पे काम कर रहे हैं ये बेसिक फैब्रिक कहलाता है 1x1 प्लेन, तो हमने प्लेन की लूम ली है। इसके अलावा डॉबी के जो डिज़ाइन होते हैं उसके डॉबी की लूम ली जाती हैं, जकार्ड के जो डिज़ाइन होते हैं उनके जकार्ड की लूम ली जाती हैं। लूम एक ही होती हैं लेकिन ये फंक्शन 3 अलग अलग होते हैं, मतलब आप अगर बेसिक फैब्रिक बना रहे हैं 1x1 तो वो कोई सी भी लूम पे बना सकते हैं, लेकिन जहाँ पे माइक्रोफाइबर की बात आएगी तो उसमें आप 100% पॉलिएस्टर यूज़ करेंगे, और पॉलिएस्टर यूज़ करने के लिए इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि दूसरी मशीनों पे हमें वार्प के धागे को जब वो ब्रेक होता है तो उसमें एक ड्रॉपर सिस्टम होता है कि धागा टूटता है ड्रॉपर टच करता है और मशीन ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, लेकिन वाटर जेट लूम में ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ना राउंड्स करने और देखना कि धागा टूटा हुआ ना है, लेकिन ये धागा टूटता नहीं क्योंकि पॉलिएस्टर काफ़ी मजबूत होता है बनिस्बत कॉटन के। तो वाटर जेट लूम में वार्प की ब्रेकेज कम होती है, इसकी प्रोडक्शन भी अच्छी होती है, लेकिन इंसर्शन जो वेफ्ट की होती है वो वाया वाटर होती है, तो इसलिए वाटर जेट लूम कहा जाता है। ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी नॉलेज आपने शेयर की, हमारे व्यूअर्स जो हैं उनको भी ये बड़ी अच्छी नॉलेज शेयर होगी कि वाटर जेट लूम्स हमारे काम किस तरीके से करते हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल नसीम भाई आता है कि ये जो ये बेसिकली मशीन है इसके इससे फैब्रिक किस तरह के बन के आते हैं सामने? देखिए इसमें जो हम लोग बना रहे हैं इस वक्त हमारे पास जो प्रोडक्ट है हमारे पास ऑर्डर जो है इसमें हम इस पर जो भी फैब्रिक बन रहा है हमारा प्लेन फैब्रिक बन रहा है, उस प्लेन फैब्रिक से हमारी काफ़ी प्रोडक्ट निकलती हैं, जैसे पिलोज निकलते हैं, कंफर्टर निकलते हैं, नेसमेंट निकलता है, उसके अलावा बेडशीट्स निकलती हैं, तो इससे हमारी मेन प्रोडक्ट में यही चीज़ें हैं और इस पर हम जो भी कपड़ा बनाना चाहें बना सकते हैं,
मगर मैंने जैसे कि बताया कि आपको डिज़ाइन बनाता है तो कितने फ्रेम का डिज़ाइन, उसके लिए डॉबी का फिर इस्तेमाल होता है कि अगर ये डॉबी के अंदर तो डॉबी डिज़ाइन में, जैसे हमारे पास एक कपड़ा भी आएगा सटेन में आता है हमारे पास, ब्लैकआउट कर्टन कहते हैं उसके, तो वो कपड़ा इन मशीनों पर नहीं बनेगा, मशीनें तो यही होंगी मगर इसमें डॉबी का इस्तेमाल होगा, वो प्लेन व्यू में नहीं होगी, उस पर डॉबी लगाई जाएगी, उसके बाद हम उस कपड़े को भी बना सकते हैं। ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने कि हम मल्टीपल तरह के जो है फैब्रिक इससे हम बना सकते हैं। इससे 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 हमारे इंडस्ट्रीज को कितना फ़ायदा हो रहा है नसीम भाई? देखें, मैंने जो अपना अब तक जो हमने सर्फ किया है पाकिस्तान में, या मैं पाकिस्तान से बाहर भी दो जगह काम कर चुका हूँ, बांग्लादेश में भी एज एडवाइज़र काम कर चुका हूँ और दुबई में भी काम कर चुका हूँ, तो वो जो दौर था उस दौर में माइक्रो फाइबर नहीं था यहाँ इन मुल्कों में नहीं था, चाइना तो खैर बहुत पहले से बना रहा है, अगर हमारे यहाँ पाकिस्तान में अगर मौजूद था माइक्रो फाइबर तो वो लेडीज़ सूट की सूरत में मौजूद था, इसमें जो लेडीज़ वैराइटीज़ होती हैं पॉलिस्टर कपड़ा, तो मैंने कहा ना कि जैसे पहले लूमे चल रही थी मगर एक्सपोर्ट बेसिस के लिए किसी को ख्याल नहीं आया, अब चूंकि माइक्रो फाइबर फैब्रिक्स की बाहर डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी कि इसके साथ उन्होंने एक प्रोसेस को भी ऐड किया है चाइना ने, इसको पीच फिनिश कहते हैं, इसमें कपड़े पर सॉफ्टनेस लाता है, वैसे तो अगर आप इसको बनाएंगे तो काफ़ी हार्श होता है कपड़ा, लेकिन उस पर सॉफ्टनेस लाने के लिए सॉफ्टनर उसको सॉफ्ट करने के लिए उन्होंने एक और तरीका ईजाद किया, एक मशीन बनाई, इसको पीच फिनिश कहा जाता है, पीच फिनिश से जब कपड़े गुजारा जाता है उस पर हल्का हल्का मतलब हैरीनेस आ जाती है, इससे सॉफ्टनेस आ जाती है, तो फिर ये बेडशीट पे उसके बाद काफ़ी मकबूल हुआ है कपड़ा और बहुत ज़्यादा इसकी सेल है यूरोपीय कंट्रीज़ में, अमेरिका में इसकी बहुत ज़्यादा सेल है, और हम भी इसी पे काम कर रहे हैं कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी सारा यूरोपीय इंडस्ट्री जो सारे का सारा कपड़ा एक्सपोर्ट ही करती है, तो हमारा भी एक्सपोर्ट में अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी हिस्सा रहेगा आइंदा भी और अभी भी है इंशाल्लाह, जो दिखाई भी दे रहा है काफ़ी हद तक, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से हम इतने कम टाइम में इतना हमने अचीव कर लिया, ये बहुत बड़ी बात है, और बस ये अल्लाह का करम है, मेहनत सबने की है, मैनेजमेंट भी हमारे साथ रही है हर वक्त खड़ी रही, और हमने भी डे नाइट काम करके इसको किया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि सबकी नीयतें अच्छी हैं, अल्लाह पाक इसको परवान चढ़ाए और तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, मुल्क की तरक्की होगी, हम इससे एक स्टेप आगे जा रहे हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपसे बात करेंगे, हम पाकिस्तान में वाटर जेट मशीन बनाने की हमने उसके मतलब काम शुरू कर दिया, उस पर इंशाल्लाह इस पर भी आपको अच्छी खबर देंगे कि हम वाटर जेट लूम बनाकर अपनी लूम में यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हमें इस चीज़ की पूरी उम्मीद है कि फॉर श्योर नसीम भैया में आप बहुत अच्छी न्यूज़ देने वाले हैं। अच्छा, एक दूसरा सवाल आता है जहन में, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल ही आता है कि हमारी जो कंपनीज़ हैं पाकिस्तान में, तमाम कंपनीज़ जो इसमें अब हैं काम कर रही हैं, उस पर अगर आपका मैं पॉइंट ऑफ व्यू लूँ या उसमें आपका मैं नज़रिया लूँ इस पर, तो हमारी जो मॉडर्न बिट वाइडर की जो हमारी मशीन्स होती हैं जेट लूम्स वाली, वो कौन कौन सी कंपनीज इस्तेमाल कर रही हैं और उनका उन्होंने किस टाइम तक उन्होंने ये अचीव कर लिया मार्क, और उनको उनको कैसे फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ के ऊपर? देखिए, इसमें जब आप वाइडर विथ की बात करेंगे तो वाइडर विथ का कॉन्सेप्ट हम तो चाइना से कपड़ा ले रहे थे, लेकिन हमें वाइडर विथ का कॉन्सेप्ट मिला है फैसलाबाद से, डायमंड फैब्रिक के नाम से, मियाँ खुर्रम साहब लीड करते हैं इसको, और उन्होंने यूँ समझे कि दो से तीन मेरे ख्याल थी, मैंने 1.5 साल पहले विज़िट किया था, उस समय उनकी 200 लूमें थी और इस वक्त उनके पास 550 मशीनें हैं जिसमें हर किस्म की वाइडर स्मॉल सब बना रहे हैं, वो उनका अपना पूरा प्रोसेसिंग यूनिट है, इस पर प्रिंटिंग यूनिट भी, वो तो मतलब वो फैब्रिक की हद तक काम करते हैं, फिर उन्होंने अपना कट्टू पैक शुरू नहीं किया है क्योंकि वो लोकल मार्केट के लिए काम करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनकी 550 लूमें हो चुकी हैं, और उसके अलावा फैसलाबाद में एक बड़ी कंपनी और इसका नाम मैगना है, मैगना के पास भी मेरे ख्याल 200 या 250 लूमें इस वक्त मौजूद हैं, कराची में यूनुस टेक्सटाइल्स पे काम कर रहा है, उसने भी 200 लूमें कर ली हैं अपनी, गुलेमंद ने भी इसमें लूमें बुक की हैं वाइडर विथ की, और साइट कराची में अरबियन टेक्सटाइल के नाम से उनके पास भी 170 से ज़ायद मशीन हैं और मज़ीद एक्सपेंशन पर वो जा रहे हैं, तो हमारे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह 170 मशीनें हैं, अभी हमें 400 पूरी करके फिर 600 इस साल में देखनी है, और शायद हमारी ज़्यादा होगा, हमारे डायरेक्ट एक्सपोर्ट है तो हम इस पर इंशाल्लाह और तेज़ी से काम करेंगे, लेकिन ये कि मुझे ऐसा नज़र आता है कि पाकिस्तान में माइक्रो फाइबर का फ्यूचर बहुत अच्छा है, और इसको अगर लोग इस पर काम करेंगे तो इसमें मतलब आपके यूँ समझें कि इन्वेस्टमेंट भी कम है, प्रॉफिटेबल ज़्यादा है। राइट, ये आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि 170 से 400 तक जाना मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये, और इसको हम जिस तरीके से देख रहे हैं, इसका इसका प्लान क्या है, किस तरीके से हम अचीव करना चाहेंगे इस चीज़ को? देखें, हमारे तो ये कि अभी भी हम ये कर रहे हैं कि हम इतना कपड़ा तो नहीं बना रहे, इतनी हमारी मतलब हमारे यहाँ जो खर्च होता है या कंज्यूम होता है, तो हम उस कंजम्पशन के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं कि हम जो चीज़ें बना रहे हैं उसको हम चाइना से आहिस्ता आहिस्ता नेगलेक्ट कर रहे हैं, हम जिन चीज़ों को प्रोडक्शन में डाल रहे हैं उसको पीछे से कम कर रहे हैं, और एक वक्त इंशाल्लाह ऐसा आएगा और बहुत जल्द आएगा कि हम अपनी सारी चीज़ें खुद बनाएंगे और हमारी वहाँ से इंपोर्ट तकरीबन कोशिश ये है कि कम ख़त्म तो ना हो, कम से कम रबते तो रखने पड़ते हैं, कुछ भी हो सकता है किसी भी कंट्री में, तो फिर चीज़ें रबते रखने पड़ते हैं आपको। अच्छा, ये जो माइक्रो फाइबर बनता है इसमें यार्न किस तरह का यूज़ होता है? इसमें 100% पॉलिएस्टर यार्न यूज़ होता है, ये काउंट्स अलग अलग होती हैं मतलब कपड़े की थिकनेस पर या उसके जीएसएम पर डिपेंड करता है,
तो हमारे पास जो कपड़ा वो मैक्सिमम बनाते हैं 100 जीएसएम और 80 जीएसएम हमारी मेन प्रोडक्ट है। उस मेन प्रोडक्ट में हमारा 100% पॉलिस्टर यूज़ होता है। अब कौन सी काउंट यूज़ होती है इट इज़ अप टू अस, बट वी आर डूइंग, वी कैन नॉट शो टू मार्केट, बट वी आर मेकिंग 80 जीएसएम और 100 जीएसएम पर स्क्वायर मीटर फैब्रिक वेट होता है। अब ये वाइडर विड्थ बनता है तो हमारे पास मुख्तलिफ विड्थें बनती हैं इसमें। हम इसमें तकरीबन जैसे 285 की विड्थ बनाते हैं, 260 भी बनाते हैं, 245 बनाते हैं। वो हमारे आइटम्स के हिसाब से होती हैं, जो हमारी गारमेंट्स की नीड होती हैं उसके हिसाब से हम उनको कपड़ा बनाकर प्रोवाइड करते हैं। राइट और ये आई थिंक ये जो डिटेल डिस्कशन थी इसके ऊपर जो हमारी माइक्रो फाइबर बनता है किस तरीके से, आई एम श्योर ये हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ज़्यादा इसमें नॉलेज में इजाफा इसमें हुआ होगा फॉर श्योर। इसमें सबसे बड़ी बात ये कि देखें माइक्रो कपड़ा तो वो भी नहीं है लेकिन इसमें कॉस्ट क्यों कम आती है बता दूँ। देखिए हमारे कॉटन के कपड़े को बनाने के लिए ना हमें साइजिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है, एक बड़ा यूनिट होता है। उस बड़े यूनिट में उसमें जिस तरह के वार्पिंग यहाँ पे सेक्शनल वार्पिंग यूज़ की जाती है उसके अंदर डायरेक्ट वार्पिंग यूज़ की जाती है, तो डायरेक्ट वार्पिंग यूज़ के बस पे केमिकल से भी धागों गुजारा जाता है उसको स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कॉटन की। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरा एक यूनिट माइनस हो जाता है आपका आगे से, मतलब वार्पिंग के बाद ये डायरेक्ट लूम पर जाएगा और आपका पॉलिएस्टर मतलब पीसी का कपड़ा, पीसी का धागा या 100% कॉटन का धागा जो है वो वार्पिंग के बाद लाजमी वो साइजिंग पे जाएगा, जो एक लेंथी प्रोसेस है, कॉस्टली प्रोसेस है, तो उसकी कॉस्ट बहुत बचती है। और फिर अगर एयरजेट पे जाएगा तो एयर की कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, क्योंकि हम जो कंप्रेसर यूज़ करते हैं, एयर कंप्रेसर यूज़ करते हैं, वो सारे के सारे इलेक्ट्रिक बेस होते हैं, चाहे हम उसको इलेक्ट्रिक प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो हम अपने जनरेटर हाउस अपने जनरेटर से करें या केई से करें या किसी भी तरह उसको एनर्जी, तो उसका एक बहुत बड़ा उसका इम्पैक्ट होता है कि एयरजेट की सारी कास्ट जो होती है उसमें मैक्सिमम कास्ट जो होती है इंसर्शन में कंप्रेसर्स की होती है, एयर की होती है। तो एयर की कॉस्ट की बनस्बत यहाँ वाटर की कॉस्ट भी कम आती है और फिर आगे प्रोडक्ट भी आपका एक प्रोसेस भी माइनस हो जाता है, तो उसकी बनस्बत जो इसमें इन्वेस्टमेंट कम है। और चूँकि अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो फिर एक्सपोर्ट की तो आपको पता है कि जब आप चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हो तो पैसे आपको अच्छे मिलते हैं, क्वालिटी अगर आप देते हैं तो फिर आपकी इन्वेस्टमेंट कम होती है और प्रॉफिट ज़्यादा होता है। राइट राइट बहुत ही अच्छा आपने इसको बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। आई थिंक जिस तरीके से हमने ये भी डिस्कशन किया कि इसको एट द एंड स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इसको हम किस तरीके से देखते हैं, वो नसीम भाई ने बहुत ही क्लियरली और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने हमें इस बारे में आगाह किया। जी कोशिश की है मैंने क्योंकि हमारे लिए भी प्रोसेस नहीं है लेकिन चूँकि हम जब लगा रहे तो इन सारे सेक्शनों पर हमें जानना पड़ता है क्योंकि कोई भी खराबी अगर हमारे कपड़े में आती है, अगर स्टैंडर्ड पर कोई मसले हो रहे हैं या वहाँ पर डाइंग में हो रहे हैं या कोई निशान आ रहे हैं तो हमें जाके, क्योंकि बेसिक तो हम ही बना रहे हैं कपड़ा, तो हमें जाके देखना पड़ता है। राइट तो इससे इसकी नॉलेज मिलती है। तो अभी तो हमने माइक्रोफाइबर का सफ़र शुरू किया है, वो सारा एक्सपीरियंस पीछे रह गया है लेकिन ये नया सफ़र है तो इसमें इंशाल्लाह सीखते सीखते सीखेंगे और अल्लाह ने चाहो तो इसमें बहुत अच्छा यूट्यूब इंडस्ट्री से बहुत अच्छा किरदार अदा करेगी इस मुल्क के लिए भी और लोगों के लिए भी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल मुझे इस चीज़ की पूरी उम्मीद है। एक मेरा दूसरा सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है नसीम भाई कि हमारा जो इस प्रोसेस मेकिंग में क्वालिटी चेक का जो डिपार्टमेंट होता है जिसमें हम हर चीज़ की क्वालिटी चेक होते हैं, हर डिपार्टमेंट में हर मैन्युफैक्चरिंग में क्वालिटी चेक का डिपार्टमेंट जरूर होता है, माइक्रोफाइबर में क्वालिटी चेक का डिपार्टमेंट इन टर्म्स ऑफ कि हम इसको जो प्रोक्योर कर रहे हैं, इसका पूरा फैब्रिक बना रहे हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है क्वालिटी फैब्रिक इसकी? देखें जब आप चीज़ को किसी भी चीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं ना तो उसकी क्वालिटी की सबसे बड़ी इंश्योरेंस होनी चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो लोग हैं वो क्वालिटी में, देखिए फैब्रिक तो फैब्रिक है लेकिन जब कुछ चीज़ें चेंज होती हैं माइक्रोफाइबर में जाके, जिसमें आपके आप चाहे कॉटन का कपड़ा लें या माइक्रोफाइबर का कपड़ा लें, तो कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जो वीविंग से ही आ रहे होते हैं उनको हमें वीविंग पे ख़त्म करना होता है, और कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जो डाइंग से आ रहे होते हैं उनको हमें डाइंग पे ख़त्म करना होता है। तो हर सेक्शन के लोग अपनी अपनी चीज़ों को इंश्योर करते हैं कि ये चीज़ें हमारे पास से सही निकलें। बेसिक कपड़ा वही होता है, अब उसमें जो चीज़ें जाके चेंज होती हैं, मैं समझता हूँ कि जो लोग माइक्रोफाइबर की डाइंग पे काम करते हैं या जो उस पर कॉटन की डाइंग पे काम करते हैं, माइक्रोफाइबर के लिए बिल्कुल नई चीज़ें, क्योंकि वो कंटिन्यू डाइंग होता है, एक प्रोसेस होता है, रोटरी मशीनें होती हैं, वो कंटिन्यू डाइंग होता है। और इसमें हम लोग जो इस पर डाइंग जो हम इस पर करते हैं माइक्रोफाइबर को, ये जेट्स की शक्ल में, तो इसमें कैपेसिटी होती है कपड़े की कितना डाल के इसको इतने घंटे इसको आपने इसको करना है, प्रोसेस करना है, जबकि कंटिन्यू जो होते हैं कंटिन्यू में होते हैं पूरे पूरे बैचर लगते हैं और वो सिंपली चले जा रहे हैं सीधे एक प्रोसेस के जरिए और वो चल रहा होता है। तो ये ज़रा डिफरेंट है डाइंग के मामले में, लेकिन वीविंग के मामले में इतना डिफरेंट नहीं। वीविंग में हमें सिर्फ जो चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं कि इसमें अगर यान की खराबी की वजह से कुछ स्लप टाइप के दाने आते हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं, ना लोकल मार्केट में एक्सेप्टेबल होते हैं ना एक्सपोर्ट में, तो होते ही नहीं है वो, तो उन चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। फिर इसमें जो आप पानी यूज़ करते हैं वो सॉफ्ट वाटर यूज़ करना आपको, क्योंकि मशीनों की लाइफ के लिए सॉफ्ट वाटर का पानी यूज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसमें जो ऐसा पानी भी होता है जो कि मतलब जिसमें चीज़ ज़्यादा होती हैं, पार्टिकल ज़्यादा होते हैं, आयरन होता है, तो उसके पीएच लेवल को देखना पड़ता है। और अमूमन इसको रिकमेंड यही करते हैं कि आप
वही पानी इसमें यूज़ कर सकते हैं इसके इंसर्शन में वेफ्ट की, जो सॉफ्ट वाटर है, तो हम सॉफ्ट वाटर इसमें यूज़ करते हैं। इसकी रिकवरी ये इसकी रिकवरी ये होती है, हमने इसकी रिकवरी के लिए प्लांट लगाया हुआ है। जितना पानी हमारा यूज़ होता है उसमें से हम 70% इसको रिकवर कर सकते हैं। अगर हम 100% मिसाल के तौर पर एक मशीन पे 1000 गैलन हम खर्च कर रहे हैं तो इसमें से 700 गैलन हम उससे रिकवर कर सकते हैं उस प्लांट के जरिए। तो इसकी पानी की कास्ट भी इतनी ज़्यादा नहीं आती है right. जिस तरह एयर को हम रिकवर नहीं कर सकते। एयर को रिकवर करने का तरीका ये है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन, और जो एयर गई वो फिर चली गई, वो वापस नहीं आती right. लेकिन पानी में ये कि इसका प्रोसेस जो है उसको हम इसको रिकवर कर सकते हैं, पानी की कॉस्ट को हम रिकवर कर सकते हैं ट्रीटमेंट करके। राइट राइट, आई थिंक काफ़ी हद तक ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली एंड काफ़ी हद तक डिटेल्ड एनालिसिस हमने इसके ऊपर हमने कंप्लीट किया है कि माइक्रोफाइबर को बनाया किस तरीके से जाता है और एट द एंड टू एंड इसको बाहर भेजा कैसे जाता है इसमें। नसीम, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम बात करें तो आप क्या समझते हैं कि माइक्रोफाइबर का फ्यूचर क्या है पाकिस्तान में और इसकी और मज़ीद इम्प्रूवमेंट किस तरीके से आ सकती है? देखें, माइक्रोफाइबर का फ्यूचर बहुत अच्छा है पाकिस्तान में, लेकिन एक चीज़ हमारे पास जो सबसे बड़ी मुसीबत आती है कि हमें माइक्रोफाइबर का यार्न इंपोर्ट करना पड़ता है। मेरा अपना ओपिनियन ये है कि अगर पाकिस्तान में जिस तरह वाटर जेट लूमें बढ़ रही हैं और इसमें मतलब इजाफा हो रहा है, तो क्यों ना कोई पाकिस्तान में पॉलिस्टर यार्न का भी प्लांट लगाए कि हमारे पाकिस्तान में पॉलिस्टर प्लांट लगें जिससे यार्न बने और उस यान को हम इन कंट्री इसको ले सकें, क्योंकि उसके खर्चे भी कम हो जाएंगे। ज़ाहिर है हमें DTRE करना पड़ती है, कंटेनर देना पड़ते हैं, उसके चार्जेस बढ़ते रहते हैं, लेकिन अगर ये प्लांट कोई पाकिस्तान में लगा लेता है तो इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, इससे भी चीज़ों की कॉस्ट में काफ़ी कमी आएगी। और दूसरी चीज़ ये होगी कि इनहाउस अगर इन पाकिस्तान इसकी प्रोडक्शन हो जाएगी पॉलिस्टर यान की, तो फिर हम जो स्टॉक करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं और चीज़ें लेट होती हैं, वो चीज़ें बहुत कम हो जाएंगी और इससे मुल्क में ज़ाहिर है मुल्क को भी आमदनी होगी, लोगों को भी आमदनी होगी। तो जिस तरह मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान में माइक्रोफाइबर का फ्यूचर बहुत अच्छा है, लेकिन इस फ्यूचर को और अच्छा करने के लिए अगर कोई भी हमारे बड़े बड़े ओनर्स मिल ओनर्स हैं जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और काफ़ी चीज़ें लगाई हैं लोगों ने, लेकिन कोई इस तरफ नहीं आता, तो जिस तरह इसका रेशो बढ़ रहा है पाकिस्तान में, एक्सपोर्ट भी होगी और लोकल मार्केट में तो मैंने आपको बताया खपत है जो लेडीज़ वराइटी सारी इससे बनती है, तो इसकी एक बहुत अच्छी मतलब अगर कोई पावर इसका पॉलिस्टर प्लांट पाकिस्तान में लगाता है यान को बनाने का, धागा बनाने का, पॉलिस्टर धागा जैसे गैट्रॉन है, तो उसके बाद इसका फ्यूचर और ब्राइट होगा, चीज़ें पाकिस्तान में दस्तियाब होंगी, आसानी से अवेलेबल होंगी, तो रुकावटें जो आती हैं हमें बाहर से वो नहीं आएंगी। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह लूमें बढ़नी है, कोई ना कोई इस पे इस बात पे ज़रूर सोचे और इस पे काम करे कि हमें पाकिस्तान में पॉलिस्टर यान प्लांट लगाना चाहिए। थैंक यू सो मच नसीम भाई कि आपने अपने कीमती वक्त निकाला और आपने अपने कीमती वक्त से व्यूअर्स को आपने माइक्रोफाइबर के फैब्रिक के हवाले से आपने आगाह किया और इसके हवाले से आई एम श्योर कि काफ़ी ज़्यादा एक इन्फॉर्मेटिव सेशन हम सब के लिए रहा होगा। यहाँ पे एक चीज़ यहीं पे एंड करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन उससे एंड करने से पहले मैं इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहूँगा हमारे सारे व्यूअर्स को और इन्वेस्टर्स अगर स्पेशली देख रहे हो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हम ये देख रहे हैं कि इस चीज़ की बहुत ज़्यादा नीड आ रही है मार्केट में, राइट? पॉलिस्टर की भी बहुत नीड आ रही है जी, और इसमें हमारी मेकिंग की बहुत नीड आ रही है, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा कि एज ए पाकिस्तान एज ए इकॉनमी अगर हम ग्रो करें तो अगर हमारे पास इस गैप को भी फिल कर लिया जाए हमारे पास, राइट, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी नसीम भाई। जी जी, अगर माइक्रोफाइबर यान को बनाने का प्लांट पाकिस्तान में लगा दिया जाए तो फिर हमें परेशानी हमारी ख़त्म हो जाएंगी, जिस तरह से हमारे लिए कंटेनर्स का मसला होता है और बहुत सारी चीज़ें कस्टम्स के मसले हैं, जब इनहाउस मिलेगी तो हम इंशाल्लाह बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे और चीज़ें अवेलेबल होंगी, इससे मुल्क की इकानमी बढ़ेगी, लोगों को भी अच्छा रोज़गार मिलेगा। राइट, उम्मीद करते हैं कि हमारे व्यूअर्स को तमाम इन्फॉर्मेशन जो आज हमने बात की नसीम भाई से, वो तमाम इन्फॉर्मेशन आज हम व्यूअर्स को हमें मिली होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ज़रूर हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक कांतेश कियानी साइनिंग ऑफ।